नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका सलूशन लेकर आया हूँ। सो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट में हमें प्रॉब्लम दी हुई है, उस प्रॉब्लम को समझ के हमें इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें दिया हुआ था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे जो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स मीटर्स। ओके, तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो एक्स मीटर्स है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रॉब्लम जो है वो लेंथ हमें बताई है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम ब्रेथ जो लेंथ है उसकी जो वन मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो अगर हम ब्रेथ को हम डबल कर देंगे और उसमें प्लस वन कर देंगे तो उसकी लेंथ बन जाएगी। तो यह आ जाएगा 2x + 1, ये आ जाएगी हमारी लेंथ आ जाएगी। तो हमें जब मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है क्या, वो एल इंटू बी। तो यह हो जाएगा हमारा लेंथ है इसकी 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू कितने, किसके इक्वल है 528। तो यह आ जाएगा हमारा 528। ओके, तो x को 2x से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर x को 1 से करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है फर्स्ट पार्ट की। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो लेट द फर्स्ट प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हम उसको एक्स मान लेते हैं, और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम मानेंगे x + 1। क्योंकि अगर पॉजिटिव इंटीजर कोई, अगर हम इसको 3 मान लें तो नेक्स्ट जो उसका +1 4 ही होगा ना, तो ये x हो गया और सेकंड जो होगा x + 1 हो गया। तो अब इनका प्रोडक्ट करें, इनका प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल है 306 के। तो x मल्टीप्लाई बाय x + 1 इज इक्वल टू 306। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² + x, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1x आ गया, और 306 है वो इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया है हमको, इसमें दिया है रोहन्स मदर एज की, रोहन्स की जो मदर उसकी एज है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो हम प्रेजेंट मान लेते हैं रोहन की एज एक्स मान लेते हैं, एक्स ईयर्स हो गया। जो रोहन मदर की, रोहन की जो मदर है उसकी जो एज है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन की जो मदर की जो एज है वो x + 26 हो जाएगी, क्योंकि जो रोहन की मदर है उसकी एज है वो 26+ है, 26 ज़्यादा है रोहन की एज से। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिचुएशन होगी। तो नेक्स्ट सिचुएशन हम देखें, इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, भी अब के 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3, ये हो जाएगी x + 3 हो जाएगी, और रोहन की जो मदर की एज है वो कितनी हो जाएगी, x + 26। तो अब की एज है, अभी प्रेजेंट एज है रोहन की मदर की, तो जो आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन मदर्स एज विल बी x + 26 + 3, 3 साल जुड़ जाएंगे। तो इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी और जो रोहन की मदर की एज होगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें x + 3 × x, ये हो जाएगी x + 26 + 3, ये हो गया x + 29। तो ये आ गया x + 29 इज इक्वल टू किससे इक्वल है 360। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x × x + 29 + 3x + 29 इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा x² + 29x + 3x + 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
87 इज इक्वल टू 360, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 32x, और 87 और ये 360 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 360 हो जाएगा, माइनस 360 प्लस 87 कितना हो जाएगा हमारा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब हमारा फोर्थ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो इसमें दिया है एक ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है वो एक 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो उसमें बताया है एक सेकंड कंडीशन है, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर लेस हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 हावर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो एक्स किलोमीटर पर हावर। तो टाइम टेकन क्या होगा इसका, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो एस मल्टीप्लाई बाय टी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। तो टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी अपॉन एस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 480 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर। तो ये हमारा टाइम टेकन होगा इन हावर्स। ओके, तो सेकंड कंडीशन इसने बताई है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर उसकी स्पीड कम कर दें 8 किलोमीटर पर हावर लेस कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 हावर्स मोर, तो उसका जो टाइम है वो 3 घंटे बढ़ जाएगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसकी स्पीड हम कम कर देते हैं, लेट द स्पीड विल बी, स्पीड कितनी हो गई है एक्स माइनस 8 हो गई है किलोमीटर पर हावर। ओके, तो अब इसका जो टाइम टेकन आ जाएगा दैट विल बी डी अपॉन एस, तो डिस्टेंस तो सेम ही है 480 अपॉन स्पीड कितनी है एक्स माइनस 8। ओके, तो ये आ गया टाइम टेकन, पर इस बार जो टाइम लिया है वो 3 हावर्स मोर है देन द ये पिछली बार जो टाइम लिया गया है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ये आ जाएगा हमारा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स, एक्स आ गया है तो एक्स बन जाएगा 480 प्लस 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 480 प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480, एक्स से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x जो है वो 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 1 टू x, 480 इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से, फिर 3x जो है वो फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 480 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8 प्लस 3x एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480x। तो ये आ जाएगा आगे 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आ जाएगा हमारा 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x इज इक्वल टू 480x। अब 480x 480x कट जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है जहाँ 0 है, अब दोनों साइड्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बन जा 3 3 टू जा 6 3 जा 24 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की बन गई है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ आ गई है। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं दोबारा आपको इसकी वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।